But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू देजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एंटमैन की ऑफिशियली रनिंग टाइमिंग के बारे में। सभी जानते हैं कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद अगला पार्ट है एंटमैन। एंटमैन की स्टोरी पहले की है जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से है, और देन अगर ये मूवी नहीं देखी तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि एंटमैन द वास्प एक्चुअल में कहां पड़ते हैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में। देन उसके बाद कैप्टन मार्वल फिर एवेंजर 4। तो इस मूवी को देखना बहुत जरूरी है, और हर एक मार्वल फैंस जिनने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी है वो एंटमैन देखने तो जरूर जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मूवी का बजट भी अच्छा जाएगा और ये कमाई के मामले में आगे रहेगी सभी मूवी से। देन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से तो पीछे ही रहेगी थोड़ी, क्योंकि उस तक पहुंचना अभी मार्वल में कोई दूसरी मूवी मुझे नहीं लगता पहुंच पाएगी। और देन इसकी अगर रनिंग टाइमिंग की बात करी जाए तो इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है 1 घंटा 58 मिनट की। ये मूवी की रनिंग टाइमिंग तो सही है, बट उससे पहले मुझे एक चीज पता चली थी जिसपे मैं पहले वीडियो बनाने वाला था, जो कि गूगल ने अनाउंस कर दिया था कि इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है 2 घंटे 5 मिनट की। बट शायद इस मूवी में से कोई सीन डिलीट कर दी हो, बट आज ऑफिशियली आधे घंटे पहले ही कंफर्म हो चुका है कि ये मूवी 1 घंटा 58 मिनट की है, जिससे ये पता चलता है कि इसकी स्टोरी पे काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा और इसलिए इसे इतना ज्यादा टाइम मिला। तो मैं काफी खुश हूँ इसकी टाइमिंग से। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।